अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू नैनम कुजीन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चिकन कोरमा। बहुत इजी है बनाने में और बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा आपको, जो हम शादियों या दावतों में खाते हैं नॉर्मली। चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ऑयल 1 कप, प्याज जो है वो 3 मीडियम साइज और अगर बड़े हैं तो 2। कोरमा मसाला जो है वो आप कोई भी ले लीजिए, 1 पैकेट, क्योंकि चिकन जो है वो 1 kg यूज़ कर रहे हैं। 1 kg चिकन के लिए 1 पैकेट यूज़ होगा। अदरक 2 टेबलस्पून, दही जो है 1.5 कप। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आप कोरमा बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम जो है वो ऑयल डालेंगे। चलें अब हम डालते हैं प्याज। आपका फ्लेम जो है वो हाई पे होना चाहिए। पहला स्टेप हमारा है कि हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है। 2 मिनट जो है वो हमने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि वो नरम हो जाए। जैसे ही नरम हो जाएंगे तो हम इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे। चलें हम फ्राई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज जो है वो नरम हो गया है, ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देना है और हमने साथ साथ अब चमचा जो है वो कॉन्स्टेंटली चलाना है ताकि प्याज जो है वो इक्वली गोल्डन ब्राउन हो और नीचे बिल्कुल ना लगे, क्योंकि अगर प्याज जला तो बहुत कोरमे का बहुत कड़वा सा टेस्ट आएगा। चलें अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज ने अपना कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर दिया है। आपने कॉन्स्टेंटली चमचा हिलाते रहना है ताकि इवनली जो है वो प्याज ब्राउन हो। ऑलमोस्ट हमें 4 मिनट हो गए हैं प्याज को जो है वो फ्राई करते हुए, लेकिन हमें मज़ीद जो है वो 5 to 6 मिनट्स लगेंगे क्योंकि हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर रहे हैं। चलिए हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे, तो अब हम प्याज़ों को जो है वो डिश आउट करेंगे। आपने एक प्लेट पे टॉवल रख लीजिए और उस पर जो है वो प्याज़ों को फैला लीजिए। आपने ऑयल जो है वो कोशिश करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशी में ही रहे, क्योंकि इसी ऑयल में जो है वो कोरमा बनेगा और इसी ऑयल में जो है वो कोरमे का टेस्ट डिवेलप होगा। चलें हम इसमें चिकन डालते हैं। अब जो है हम इसके अंदर कोरमा मसाला डालेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो दही डालेंगे। अब आपने जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को एक साथ। अब हमने इसमें नमक नहीं डाला है अभी तक, क्योंकि जो मसाला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है आपको नमक डालने की एज सच। एंड में हम नमक चेक करेंगे और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसको इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के लिहाज से। चलें अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, आप इसको कवर कर दीजिए। चलें 10 मिनट हमें हो गए हैं, लेट्स सी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेल जो है वो ऊपर आ गया है और चिकन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 50% जो है वो गल गई है। इस पॉइंट पे आपने जो है वो अदरक डाल देना है जो हमने जुलियन कट किया हुआ था, और हमने जो है वो उसको कवर करके 5 मिनट और पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं हमें, लेट्स सी। इस पॉइंट के ऊपर जो हमने अनियंस को फ्राई किया था हमने हाथ से जो है उसको क्रश करके इसमें डालना है। चलें लेट्स डू इट। चले हमने अपनी सारी प्याज डाल दी है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गई है हमारी। चलें अब हम इसको कवर करेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए और मसाला जो है वो हमारा थिक ग्रेवी की तरह हो जाए। 7 से 8 मिनट हमें हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आया है और आप देख रहे हैं प्याज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो गया है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। चलें अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं एंड लेट्स सर्व इट। टेस्टी है ना? आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और बहुत आसान लगी होगी। चलें मैं अब चलती हूँ,
बहुत खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अराउंड यू।